हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को क्लास 10 का जो ऑफिशियल मॉडल सेट आया था उसका सेकंड पार्ट का आज मैं क्वेश्चन सब कराने वाला हूँ। सेकंड जो मॉडल सेट था उसमें मैंने पहला पार्ट बनाया था जिसमें 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया था। आज मैं 41 से लेकर और 80 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। और आपने अगर इसके पहले का जो वीडियो था, एक और ऑफिशियल मॉडल सेट आया था जिसमें 1 से लेकर 80 तक का सॉल्यूशन हम करा दिए हैं, और ये दूसरा था जिसमें 1 से लेकर 40 तक कराए हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो का लिंक दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल ग्रांटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन जानते हैं। आज का क्वेश्चन है, आय और उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बचत। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, शाख के निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं? तो शाख निर्माण के कौन कौन से आधार अपनाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि शाख अपनाने के लिए इनमें से तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि विश्वास मीन्स शाख मीन्स क्या होता है, विश्वास करना, चरित्र हो गया, चुकाने की क्षमता यानी कि ऋण चुकाने की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जानेंगे आज का, 43 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहकारी बैंक। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए ऋण मुहैया कराता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार एक राज्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृषि प्रधान, यानी कि बिहार में जो कृषि की प्रधानता है सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दो क्षेत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से है? तो ऑप्शन नंबर ए है पूंजी, ऑप्शन नंबर बी है वस्तु, और ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी एवं विचार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण तीनों को शामिल किया गया 1991 में। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1986। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 मार्च। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, अल्मीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो 1960 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिप्सम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टॉकहोम।
होम में। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है, दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक था, क्यों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि सिंचाई की व्यवस्था करना भी उद्देश्य था, बाढ़ों का नियंत्रण रखना और मत्स्य पालन करना यानी कि मछली भी पालना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अलग होगा क्वेश्चन नंबर 57, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाघ। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, यानी कि कौन सा देश प्रथम स्थान पर है आम उत्पादन में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूट, जो कि कृषि से संबंधित है, बाकी जितने सारे हैं ये सब के सब कच्चा माल पर आधारित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, बिहार में पेट्रोल रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरौनी। अगला क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भागलपुर। अगला है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरत। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता एवं दिल्ली। अगला है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2005। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जोड़ती है या जुड़े हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलचर तथा पोरबंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाल्मीकि नगर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, कांटी टापी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंगेर। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था या कौन नगर था? तो इसका ऑप्शन नंबर, देखिए इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका जो आंसर है बस आपको बताना है, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप इसका क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइएगा, अगर ना मालूम हो तो चेक कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं इसका आंसर डाल दूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7%। एग्जैक्ट यदि देखा जाए तो 7.2% है, यानी कि शुद्ध रूप से देखा जाए तो 7.2, नहीं तो नॉर्मल अगर यहाँ पर 7 दिया हो तो 7 चलेबल है। अगला क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संसाधन के अनियोजित विदोहन से। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्निनाशमक यंत्र को बुलाना चाहिए, यानी कि जो फायर ब्रिगेड है उसको बुलाना चाहिए, यानी कि दरवाजे खिड़कियाँ लगाना, आग बुझाने का इंतजार करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्निनाशमक यंत्र को बुलाना, यानी कि जो फायर ब्रिगेड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेटिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसाधनों की खोज के लिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन ये रहा, और इसका जो सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन है उसका भी सॉल्यूशन हम करा दिए हैं, जिसमें से पहला इसका जो सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन था पहला पार्ट का, उसमें से 60% का कराए हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको हमारे जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बगल के बेल आइकन को दबाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।